नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। नीमच निम्बाहेड़ा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 5 जून की रात 3 भैंस, मोबाइल और कैश लूट की वारदात हुई थी। इसकी शिकायत ज्ञान सिंह गुर्जर ने निम्बाहेड़ा सदर थाने में की थी। लूटे गए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करते हुए बुधवार को राजस्थान पुलिस मंदसौर के पिपलिया मंडी पहुंची। यहां से पुलिस ने लखन पिता राजू बावरी निवासी पिपलिया पंथ, नरेंद्र पिता गोवर्धन बावरी निवासी ग्राम सोखड़ी और दीपक पिता नाहर सिंह बावरी निवासी उमरिया थाना पिपलिया मंडी को हिरासत में लिया। प्राइवेट स्कॉर्पियो से पुलिस आरोपियों को लेकर राजस्थान लौट रही थी। इसी दौरान पुलिस पर हमला हो गया। इसमें एक एसआई नानू राम गहलोत को उन्हीं के पिस्टल छीनकर आरोपियों ने उन्हें जांघ में गोली मारी व एक आरक्षक का हाथ तोड़ दिया। इस संबंध में रतलाम रेंज डीआईजी मनोज कुमार सिंह रात में नीमच पहुंचे थे। वहीं नीमच के एडिशनल एसपी सुंदर सिंह कनेश व मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया भी पिपलिया मंडी पहुंचे थे। आरोपियों पर इनाम घोषित। डीआईजी रतलाम रेंज मनोज कुमार सिंह ने सभी आरोपियों पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके अलावा एमपी व राजस्थान की 15 स्पेशल पुलिस टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए सघन तलाशी अभियान में जुटी हैं। सर, देर रात में एक घटना हुई है जिसमें पुलिस आरोपी को लेके कस्टडी में जा रही थी और पुलिस के ऊपर जो है फायर किया गया। क्या पूरा घटनाक्रम रहा है सर? चित्तौड़गढ़ में 4 जून को एक लूट की घटना हुई थी। इसमें 3 भैंस और गाड़ी को लूट कर लाया गया था और उसी सिलसिले में निम्बाहेड़ा का पुलिस बल जो है यहाँ नीमच और मंदसौर में सर्चिंग कर रहा था। इन्हें 3 आरोपियों के बारे में जानकारी मिली थी और उन्हें वो अभिरक्षा में लेके वापस जा रहे थे। जैतपुर फंटे के पास आरोपियों ने गाड़ी के भीतर से ही उन पर अटैक किया और उनके हथियार छीन लिए, जिसमें एक पिस्टल और एक 12 बोर का गन था, और उससे फायरिंग करके वो वहाँ से भाग गए। उनकी फायरिंग में सब इंस्पेक्टर को थाई में चोट लगी है और आगे की कार्रवाई जारी है। देर रात तक सर आप और पुलिस टीम जो है जगे रहे, किस तरह से आरोपियों की तलाश की जा रही थी रात में? यह एक काफ़ी गंभीर घटना है और इससे हम लोगों ने चुनौती के रूप में लिया है और हम कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही आरोपियों की अरेस्टिंग की जाएगी। इस पर इनाम भी घोषित किया गया ना? सभी आरोपियों पर 30,000 रुपये का इनाम आईजी उज्जैन द्वारा घोषित किया गया है।